नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों हम बात कर रहे हैं अदानी पावर की, और अदानी पावर में अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों से आपके लिए स्टॉक जो है 100 रुपये के लेवल से वापस से कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है, और स्टॉक में ना ही बहुत बड़ी तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है और ना ही गिरावट। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो स्टॉक में किस तरह की रणनीति आगे की होनी चाहिए, और दोस्तों आपके लिए आगे टारगेट क्या होने वाले हैं, तो दोस्तों आप किस तरह से स्टॉक को लेकर के चलें, कितनी क्वांटिटी होल्ड करें, एक बार कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएगा। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, ये छोटी सी वीडियो आपके काफी काम की हो सकती है, और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यहां पर अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज, पिछले 5 दिनों का आप चार्ट देखेंगे, जब स्टॉक ने अपर सर्किट लगाया था लास्ट टाइम, उसके बाद आपने देखा स्टॉक में हल्की फुल्की तेजी भी बनी और गिरावट भी हुई। कुल मिलाकर के कहें तो स्टॉक कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है, और यहां पर यह बहुत ही अच्छा साइन है आपके लिए, क्योंकि आपने अगर इसे खरीदा है बहुत ऊपर के लेवल पे, 150 के ऊपर, 160 के ऊपर, तब आप यहां पर काफी परेशान होंगे, क्योंकि इसका जो 52 वीक हाई है 166.90 रुपये, बहुत से लोगों ने वहां पर खरीदारी की है, और सबसे ज्यादा इंतजार भी उन्होंने ही किया है, क्योंकि पिछले 1 महीने में आपने देखा स्टॉक कहां से कहां तक रिकवर किया है, और यहां तक बहुत अच्छा इसने रिटर्न भी निकाल के दिया दोबारा से, और फिर से आपको थोड़े बहुत करेक्शन दिखाई दिए। लेकिन दोस्तों ऐसी चीजें इस स्टॉक में चलती रहती हैं, क्योंकि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसका नाम अदानी पावर, और अदानी समूह के जितने भी स्टॉक हैं उन सभी में आपको कुछ ऐसी ही चीजें देखने को मिलती हैं, बहुत ज्यादा न्यूज के बेसिस पे स्टॉक चलते हैं, और यहां पर रिस्क भी ज्यादा रहता है, इसी वजह से रिवॉर्ड भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। पिछले 6 महीने में स्टॉक ने आपको बहुत तरीके के डरावने चीजें भी दिखाई हैं और बहुत अच्छी चीजें भी दिखाई हैं। अगर यहां से देखें तो आपके लिए रिटर्न भी काफी ज्यादा अच्छे दिए, लेकिन वहां से अगर बात करें तो बहुत ज्यादा आपको डरा भी दिया था एक बार के लिए। बहुत से लोगों के मन में यही था कि हम स्टॉक को बेच के निकल जाएं, लेकिन शायद जिन्होंने इस स्टॉक को होल्ड किया, अब वापस से क्या टारगेट होगा, तो इसके लिए पहले भी बताया जा चुका है कि 100 रुपये का जो लेवल है वहां से ये स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, और वही चीज होती हुई भी नजर आ रही है। अब वापस से स्टॉक यहां से कंसोलिडेट करने के बाद बड़ा मूव आपको देखने को मिलेगा, और टारगेट होगा 120 रुपीज का, और 120 के लेवल पर वापस से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों स्टॉक को आपको करना चाहिए होल्ड, लॉस में से सेल नहीं करना चाहिए। लॉस में सेल ना करने का सबसे बड़ा रीजन एक यहां पर यह भी है कि ऑपरेटर्स इस स्टॉक को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करते रहते हैं, और ऑपरेटर्स भी यहां से मोटा पैसा कमाते हैं, लेकिन आप अगर ऑपरेटर के साथ चलते हैं तो आप कमाएंगे पैसा, और अगर पीछे रह जाते हैं तो आप कमाएंगे पैसा। तो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर लेवल को अच्छे से ट्रैक करना, उसको देखना, और उसके बाद ही फैसला लेना। और अभी बात करें तो अडानी आराम से आप होल्ड कर सकते हैं, प्रॉब्लम की यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिली है, क्योंकि इसके नाम की वजह से इसके लिए कुछ ऐसे बेनिफिट देखने को मिलते हैं, जिसका मतलब आप समझते होंगे कहाँ से और किस तरह से, वो मैंने आपको लिख करके बता दिया है। और वहीं साथ ही साथ दोस्तों इसके लिए कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी हैं जो आगे चल के अभी मिलने वाले हैं, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं तो फिर डेफिनेटली स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न निकाल करके देगा। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और दोस्तों आपको क्या लगता है ये भी जरूर बताइएगा।